मुझे सॉन्ग के लिए प्रीतम दा ने कॉल किया था और कहा कि आज रात को रिकॉर्डिंग है, आप आ जाओ। तो मैं गया, मैंने सॉन्ग सुना। जब मुझे सॉन्ग प्ले किया गया तो सॉन्ग लिखना होता है गाने से पहले, तो मैं लिख रहा था लिरिक्स सुनते सुनते। तो मुझे लगा कि ये इरशाद जी के ही लिरिक्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की बात हो रही है और पंजाब की खूबसूरती की बात हो रही है, पंजाब के खेतों की बात हो रही है, तो मैंने पूछा भी वहाँ पे जो रिकॉर्डिस्ट ने कि ये इरशाद जी के लिरिक्स हैं। वो उन्होंने कहा जी यार इरशाद जी ने ही लिखा है। तो बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, तो बहुत एक अरसे के बाद मैं पंजाबी गा रहा था, पंजाबी गाना इन बॉलीवुड, क्योंकि लास्ट मैंने गाया था गोरे मुखड़े पे जुल्फां दी छावा, जो स्पेशल 26 में था अक्षय पाजी के लिए। तो मुझे उसके बाद अभी गाने का मौका मिला, तो मुझे ये नहीं पता था ये शाहरुख साहब के लिए है। जब पता चला तो मैंने और उसमें जान फूंकी, और उसमें जैसे शाहरुख साहब कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे लाइंस को कहेंगे, किस लहजे में कहेंगे, क्या स्टाइल होगा, तो ये सब सोच के मैंने उसे जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जब मैं माइक पे आया। और मेरे दिमाग में हमेशा दो एक दो गाने थे जो गाने को सुन के मुझे जिन गानों की याद आ रही थी और फील वैसे आ रही थी, जो कि एक गाना था जब मैं जटी अमला पगला दीवाना धर्मपा जी का। तो मैंने कहा कि वही सेम चीज़ है कि जब उस गाने में भी जो लड़का है वो लड़की के लिए पगला दीवाना हो रखा है, यहाँ पे भी जो है वो अपनी दीवानगी और अपनी जो अपना जो प्यार है वो शाहरुख जो है वो अनुष्का शर्मा को बता रहे हैं कि कैसे बटरफ्लाई बन के तू आ जा खेतों में। तो वो एक बिंदास एक प्यार की बात हो रही है और खूबसूरती पंजाब की बात हो रही है, और वो बता रहा है कि कैसे वो एक जो पेंडू है, जो एक गांव से एक हैरी का कैरेक्टर है, वो कैसे बात करेगा, वो सोफिस्टिकेशन से बात नहीं करेगा, वो ऐसे ही बात करेगा कि तू आ जा नहीं बटरफ्लाई बन के ले अंगड़ाई तन के, नहीं आ जा खेतों में। तो ये बहुत मैंने ये सब सोच मैंने कोशिश करी कि कैरेक्टर में जितना मैं घुस पाऊँ हैरी के और मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। शाहरुख खान जी का क्या रिएक्शन था आपका ये गाना सुन के? जैसे गाना आया तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मैंने ये कहा था कि शाहरुख सर कि आपने जैसी जैसे पंजाबी प्ले किया है वीडियो में, एक रॉ क्यूट पंजाबियत का आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, तो वो शायद ही कोई कर पाए आपके अलावा। और बहुत बहुत शुक्रिया मैंने अदा किया कि मुझे इस गाने में आपने एक मौका दिया, चांस दिया। तो उन्होंने कहा, रिप्लाई किया ट्वीट पे ही, ट्विटर पे, कि थैंक यू, आपने इस गाने में जो है जान फूंक दी। तो ये जो उनका जो रिप्लाई था, उनका जो एक मैसेज था या उनकी जो एक एक जो विश थी, वो मेरी ताउम्र मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी और बहुत बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। अगर बात करें सॉन्ग्स की तो आप पंजाबी सॉन्ग्स आते हैं, हिंदी सॉन्ग्स आते हैं, तो आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग में गाना पसंद करते हैं ज़्यादातर? मैं हिंदी पंजाबी के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा चुका हूँ, 14-15 लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, शायद ही कोई लैंग्वेज होगी जिसमें मैंने नहीं गाया। तो हर लैंग्वेज का गाना मेरे लिए एक स्पेशल है, क्योंकि मैं जब उस लैंग्वेज का गाना गाता हूँ तो मैं उस जोन के, उस लैंग्वेज, उस भाषा के बोलने वाले लोगों के साथ जुड़ता हूँ। अगर मैं भोजपुरी गा रहा हूँ तो मैं यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, अगर मैं बंगाली गा रहा हूँ तो मैं बंगाल के लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, तमिल गा रहा हूँ तो तमिलनाडु, कन्नड़ तो कर्नाटक, तो गुजराती तो गुजरात, और जितने भी लैंग्वेजेस हैं, तो आप पूरे एक इंडिया के साथ जुड़ रहे हो। नॉट जस्ट हिंदी जो है वो बॉलीवुड सुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको पता होगा कि पंजाब में इतना बॉलीवुड नहीं सुनते हैं, पंजाब में पंजाबी गाने ज़्यादा सुने जाते हैं, जो पंजाब के खुद के जो आर्टिस्ट इतने सारे हैं। जैसे ही आप साउथ में भी चले जाओ तो साउथ में अपनी एक इंडस्ट्री है, तेलुगु इंडस्ट्री है, कन्नड़ इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे खुद की इतनी इन लोगों की फॉलोइंग है, तो वो वहाँ पे अपनी एक फॉलोइंग बनाना, अपनी एक छाप छोड़ना, अपना फेमस होना वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत स्पेशल होता है किसी भी सिंगर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं हर जोन के गाने गाऊँ, हर लैंग्वेज के गाने गाऊँ, जिससे लोगों में अवेयरनेस पहुँचे कि मैं सब कुछ गा सकता हूँ और मैं सब लोगों के साथ कनेक्ट होता हूँ। जी, फाइनली आपने व्यूवर्स के लिए एक दो लाइन गा सकते हैं।
ओ कर दूं क्या जनहित में जारी, अब से तेरी है मेरे इश्क पे दावेदारी। हो मैंने कर दी बेअकली तो कहना नहीं, मैंने रखा तुझे दिल में तू रहना वहीं पे। नी बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ा ही तन के, नी आजा कुड़ी आजा खे तुम्हें। नी बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ा ही तन के, नी आजा कुड़ी नहीं आ जा रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।